बीजेपी पर बरसे गहलोत, कहा राजस्थान में कांग्रेस बनाम ईडी की लड़ाई, बीजेपी ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग कर रही दुरुपयोग। श्रीनगर के मुस्लिम कुम्हारों के बनाए दीयों से होगी रोशनी दिवाली, धार्मिक सद्भावना और सांप्रदायिक एकता का दिल छू लेने वाला प्रदर्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को दी चेतावनी, कहा बेटियों की सुरक्षा में लगाई सेंध तो यमराज भी नहीं रोक पाएंगे रास्ता। दिल्ली की जहरीली हवा हुई अगले तीन दिन सांस लेना होगा मुश्किल। पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ेगी ठंड, अगले तीन दिन तक दिल्ली एनसीआर के लोगों का कोई नहीं उनको राहत। केरल में भारतीय नौसेना का हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में गई एक क्रू मेंबर की जान, नौसेना प्रमुख और सीडीएस ने जताया दुख। विधानसभा चुनाव को लेकर सुमेरपुर पूर्व प्रधान ने आज अपने समर्थकों के साथ में कांग्रेस व निर्दलीय दो नामांकन रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवाए। इससे पूर्व शहर के एक निजी गार्डन में भव्य सभा का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों की तादाद में एकत्रित हुए समर्थकों को पूर्व प्रधान मेवाड़ा सहित अन्य वक्ताओं द्वारा संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग की गई। इधर सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी पेच फंसा हुआ है। इस कारण सुमेरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी की अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है। इसको लेकर पूर्व प्रधान मेवाड़ा का कहना है कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार पार्टी टिकट मुझे देगी और इन समर्थकों के आशीर्वाद से टिकट जरूर मिलेगा। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में श्रीगंगानगर विधानसभा से क्षेत्र में भाजपा कैंडिडेट रही विनीता आहूजा अब निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव नहीं लड़ेंगी। शहर के होटल में हो रही पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह समाज के साथ हैं, कांग्रेस ने समाज के कैंडिडेट को टिकट दे दिया है, ऐसे में वे समाज का साथ देते हुए इस विधानसभा चुनाव में निर्दलीय तौर पर चुनाव नहीं लड़ेंगी। समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिल गया है, लेकिन पार्टी के साथ रहना उनका अंतिम फैसला है। इसके बाद वह प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई। इस दौरान राजस्थान प्रदेश पंजाबी महासभा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र राजपाल ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर यूआईटी चेयरमैन बनाने का प्रलोभन देते हुए विनीता आहूजा को निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ाने का आग्रह किया गया। बात नहीं मानने पर पार्टी की सदस्यता को छह साल तक निष्कासित करने की धमकी भी दी गई। से किसी व्यक्ति को भी टिकट मिल जाए तो हम सीट जिता के आपके पास लाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि हमारे नेता ने, क्योंकि तो हमारे समाज की उन्होंने लाज रखी है, हमारे समाज की उन्होंने लाज रखी है जो बीजेपी ने नहीं रखी। तो हम अपने समाज के साथ हैं, हम अपने समाज के साथ रहेंगे। बहन वनिता जी ने जो शब्द कहे थे प्रेस वार्ता में, आप बीजेपी में, मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन समाज के साथ है, आप भी समाज के साथ हैं। तो इन्होंने जो शब्द कहे थे उनको सुनिश्चित करने के लिए आपके समक्ष ये आई हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए भाई हमारी बहन जी को देना चाहूँगा। मैं आपके माध्यम से पूरे विधानसभा को कहना चाहूँगी कि जो मान और सम्मान मुझे पिछले 5 साल में भी मिला और अब पिछले दिनों भी मिला, मैं उसकी बहुत कदरदान हूँ। पर मेरा शायद सौभाग्य है। छोटी सी बात मैं व्यक्तिगत भी कहना चाहूँगी, कहीं ना कहीं मेरे किसी बंधु को यह लगा कि मैंने समाज को ठोकर मारा, मुझे इस बात का दुख है और बहुत दर्द भी हुआ। कहते हैं कि पत्रकारिता सफलता का चौथा फायदा नाम है भी। पिछले 30 साल से मैं आपके बीच एक
बहुत बड़ी प्रतिबद्धता लेके आई थी, जहां से आपने मेरा नाम जाना, विनेता पहुंचा। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र से आज भाजपा के प्रत्याशी निर्मल कुमावत ने अपना नामांकन भरा। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी नामांकन में मौजूद रहे। यहां विधायक निर्मल कुमावत ने सांभर लेक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र पेश किया। विधायक निर्मल कुमावत ने नामांकन में फुलेरा विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अरुण सिंह ने मौजूद जनता को आगामी विधानसभा चुनाव में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील की। साथ ही प्रदेश की गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार बेरोजगारी को लेकर जमकर निशाना साधा। जवाब भी देना होगा, यह कहना होगा कि आसपास की जो जीत हो रही भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता कोई है तो निर्मल कुमावत जी। आते भी इतने बड़े नेता जो तीन बार विधानसभा के चुनाव जीत चुके हैं, चौथी बार विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं, तो मैं मान के चलो कि चौथी बार जब चौका लगा के विधानसभा में पहुंचेंगे तो निर्मल कुमावत जी, फिर से मैं कह रहा हूं, कहें अगली पंक्ति में ही बैठेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता की पालना में किसी तरह अवैध धनराशि या अन्य कोई भी संदिग्ध वस्तु जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में काम आती है उसे पकड़ने के लिए रावतसर कस्बे के नोहर तिराहे पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की गई, जिसमें एक स्विफ्ट कार से रुपए बरामद किए गए। नोहर तिराहे पर की गई नाकाबंदी में SI ईमचंद व संतोष ढाका की टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार से 1,15,000 की राशि बरामद कर FST टीम को सौंप दी है। वहीं FST टीम ने मौके पर उक्त राशि को सीज करने की कार्रवाई की। भाजपा की ओर से गुरुवार को जारी हुई प्रत्याशियों की सूची में टोंक और निवाई से पार्टी ने पुराने चेहरों को फिर से विश्वास जताया है। टोंक में पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता और निवाई से पूर्व BJP प्रत्याशी रामसाय वर्मा को टिकट दिया गया है। भाजपा विधायक प्रत्याशी रामसाय वर्मा की नामांकन रैली में टोंक जिला प्रभारी रमेश विधूड़ी, सांसद रामचरण बोहरा, मालूपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी सहित वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जाट धर्मशाला से बाजी के साथ नामांकन किया। इस दौरान जगह जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नामांकन रैली के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए वर्मा ने कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने जमकर भ्रष्टाचार किया है, वहीं हमारी पार्टी एकजुट है इस चुनाव में, साथ ही भाजपा में बड़ी संख्या में वोटों से अपनी जीत भी दर्ज करवाएंगे। निवाई पीपलू विधायक प्रत्याशी रामसाय वर्मा से हमारे संवाददाता कजोड़ गुजर ने की खास बातचीत। राजस्थान चुनावी रण 2023 सज चुका है और इसी क्रम में निवाई पीपलू विधानसभा से राम साई वर्मा को भाजपा प्रत्याशी बनाया गया है। आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। राम साई वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। राम साई जी, आज नामांकन किया, किस तरीके का उत्साह युवाओं में देखने को मिला, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह था? मैं आप सबको नमस्ते करता हूँ, आपने मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। लोगों के उत्साह और पार्टी का जो विश्वास है, मोदी जी का जो काम है उन्हीं को लेकर के चुनाव मैदान में हूँ। निवाई की जनता के साथ पिछले 5 साल में छलावा हुआ है, जनता का कोई काम नहीं हुआ। मैं BJP कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन जनता का किसी का काम नहीं हुआ, चाहे वो रेप केस हो, चाहे दलित उत्पीड़न के काम हो, चाहे युवाओं के साथ भ्रष्टाचार का काम हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, पूरी जनता परेशान रही है। पूरी कांग्रेस सरकार से भ्रष्टाचार को लेकर परेशान रही है। देखिए, बात करें आपके क्या मुद्दे रहेंगे? कांग्रेस की भ्रष्टाचारी कांग्रेस को उखाड़ने का ही यही सबसे बड़ा मुद्दा है। राम बात करें, राम साई जी, विधायक प्रशांत वेरा का वह दावा कर रहे हैं कि हमने क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास किया, जितना 60 साल में विकास नहीं हुआ उतना विकास हमने करा दिया और उसी की बदौलत वापस कांग्रेस रिपीट होगी। देखिए, ये आपको पता है कि जो 60 साल में क्या हुआ वो अब हो रहा है। आपको पता है कहाँ इनकी गाड़ियाँ टूट रही है, कहाँ कार्यकर्ता इनके साथ धक्का मुक्की कर रहा है। ये इनकी कार्यकर्ताओं की पहचान है, उन्हीं के विश्वास भी आ रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना किया, बजरी माफियाओं भी इनकी कोई लगाम नहीं है, पुलिस प्रशासन में इनकी कोई लगाम नहीं है, प्रशासन में कोई इनकी लगाम नहीं है। आप किसी भी तहसील के अंदर चले जाओ, बिना पैसे दिए किसी का काम नहीं हो रहा, किसी का पुलिस के अंदर चले जाओ मोटरसाइकिल तक नहीं छोड़ रहे हैं। आपके ललवाड़ी वाले मैटर में आप देखो,
जन्माष्टमी के दिन गायों को काट के खा रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता उनके ऊपर ऐसी ऐसी धारा लगाई जिनकी जमानत नहीं हो रही है, हर कार्यकर्ता परेशान हो रहा है। ये इसके विकास के कार्य हैं जो आप स्थानीय प्रशांत के मुद्दे आप बता रहे हो। देखिए चुनाव है, किस तरीके से आप किस स्टार प्रचारक को यहाँ बुलाना चाहेंगे? देखिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की हमारी 21 लोगों की सूची जारी हो चुकी है। अभी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा स्टार प्रचारक किसको भेजते हैं। वो ये कई बार जातीय समीकरण के हिसाब से भेजते हैं, कई बार पार्टी के हिसाब से भेजते हैं, कई बार अपने उस छवि के हिसाब से भेजते हैं। तो जो भी आएगा स्टार प्रचारक आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा। देखिए बात करें चुनाव की तो इस बार जो चुनावी रण है निवाई पीपलू विधानसभा का, तो इस बार बोतल और झाड़ू की एंट्री हुई है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए ये एंट्री होने से पिछले बार भी जब मैं चुनाव लड़ा था उस टाइम भी 4-5 पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी के 214 वोट आए, किसी के 113 वोट आए, किसी के 219 वोट आए, तो इनके कुछ नहीं है, वही असर होने वाला है। जो राजस्थान का ट्रेंड है अब तक का जो ट्रेंड रहा वो कांग्रेस बीजेपी का रहा है और कांग्रेस बीजेपी का ही रहेगा और ये जनता की निवाई की जनता ही तय कर देगी कि क्या होने वाला है। जो धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है उसके लिए कह रहे हैं कि तो निवाई तो नाथी का बाड़ा है, अब नाथी का बाड़ा ही बनाया तो इन्होंने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं बनाया। जिस धर्म की नगरी के लिए ऐसी बातें करते हैं तो जनता इनको जवाब दे देगी नाथी के बाड़े का, जैसे डोटासरा जी को जवाब दे दिया वहाँ की सीकर की जनता ने, वैसे इनको भी जवाब दे देगी। देखिए चुनाव को लेकर किस तरीके के दावे आप करते हैं? पिछले 10 साल से जो मोदी जी ने काम किए हैं वो पूरा विश्व जानता है। आज भारत की जो पोजीशन है विश्व के अंदर वो पूरी देश को, विदेश को, विदेशों में सब जगह विश्व में पता है। तो इन मुद्दों के ऊपर हमारे घर घर में पहुंचाएंगे इस बात को हम। देखिए आज प्रशांत जी ने बोला नाथी का बाड़ा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और रियल में अगर बात करें क्या हो रहा है? और निवाई पीपलू विधानसभा एक चरागाह हो गया जहाँ पे हर कोई आता है अपने आप को प्रत्याशी बताता है, किस तरीके से देखते हैं? ऐसा नहीं है साहब, किसी ज़माने में ये इस तरह से बाहर के प्रत्याशी का इसका रहता था, जनता जागरूक हो गई, अनुसूचित जाति समाज में पढ़ा लिखा वर्ग हो गया, स्थानीय उम्मीदवार बहुत सारे हो गए, तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं मिलता है। जनता जागरूक हो चुकी है और जनता जागरूक हो गई तो जो मोदी जी के विकास कार्य हैं, जो जल जीवन मिशन का हर घर में जल पहुँचाने का काम है, ऐसे मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साहब रामसाई वर्मा जी जिनका कहना है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। कजोड़ गुजर नवतेज डेविड टॉम। झालावाड़ जिले की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली खानपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने एक बार फिर नरेंद्र नागर पर विश्वास जताया है। पिछले चुनावों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुरेश गुर्जर को भाजपा के नरेंद्र नागर के करीब 2,200 मतों से हराया गया था। वहीं एक बार फिर नरेंद्र नागर को भाजपा ने प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया है। नरेंद्र नागर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। नामांकन दाखिल करने से पूर्व नरेंद्र नागर ने काली तलाई हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना कर विशाल रैली निकाली जिसमें भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की बात और गंगा बहाने की बात कही। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष संजय जैन, ताऊ प्रधान शीला शर्मा, भाजपा जिला महामंत्री हेमंत सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। सारे हैं 5 साल में जो इस कांग्रेस के कुशासन है और महिलाओं पर अत्याचार और जो यहाँ विकास कार्य थे उसको रोकने का काम किया, किसानों को परेशान करके सरकार ने छोड़ा है। आगे आने वाले साहब में बहुत सारे मुद्दे हैं इस विधानसभा के, कानपुर में नगर पालिका बनाएंगे, साथ ही यहाँ ड्रेनेज सिस्टम ठीक करेंगे, बकानी में SDM कोर्ट बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, बहुत सारी सड़कें अभी छूटी हुई है, पेयजल से वंचित है अभी सारे गाँव, परवन डैम धीमे में चल रहा है, उधर बकानी साइड में भी बहुत से गाँव में पानी नहीं है, पेयजल सिंचाई बिजली और सड़क सब पूरे तंत्र को ठीक करने का काम करेंगे। राजसमंद के भीम से पूर्व विधायक और भाजपा प्रत्याशी हरि सिंह रावत ने नामांकन रैली और जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि नामांकन रैली का आगाज आशापुरा माताजी मंदिर के दर्शन के उपरांत एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए किया गया, जहां हजारों की संख्या में महिला कार्यकर्ता सहभागी बनी और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। रैली में शामिल होने वाले कई ग्रामीण महिलाओं ने भजन कीर्तन भी किया। आज नामांकन भरा है हमने भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के प्रत्याशी में, और
ये जो आज जो मैं प्रत्याशी रूप में आज आया हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा सोच और सपना है कि भारतवर्ष हमारा एक हिंदू राष्ट्र बने और हिंदू राष्ट्र को हम जागृत करेंगे। और ये भारतवर्ष में जो ये कांग्रेस राज जो चल रहा था, इसमें भय, आतंक, भ्रष्टाचार, मतलब जितने भी जो संज्ञा जो लगती है ना, वो सब इस पर लगी है। तो जनता त्रस्त है, इसलिए जनता ने आह्वान दिया है। आज ये जो भीड़ आई है, ये आह्वान दिया है कि इस भय, भूख, भ्रष्टाचार, आतंकवादी और जितने भी जो लगते हैं ना अलंकार, जैसे आपने भू माफिया बोल दो, रेत माफिया बोल दो, शराब माफिया बोल दो, जितने भी भ्रष्टाचार इनका आतंक था, मैं समझता हूँ कि ये एक तालिबान को भी इन लोगों ने। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर रोहिता शर्मा ने बांसुर विधानसभा के एक दर्जन गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आजाद समाज पार्टी के पक्ष में वोट मांगे, जहां ग्रामीणों ने आसपा प्रत्याशी को गांव खटौटी में नोटों की माला पहनाकर और फलों से तोलकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही लोगों ने आसपा उम्मीदवार डॉक्टर रोहिता शर्मा जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बांसूर में सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कॉम्पेंशन बाल आश्रम की ओर से बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ को विकसित करने के लिए बाल पंचायत चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वाधिक मत लेकर बाल सरपंच प्रियंका चौधरी, बाल उपसरपंच आस्था शिखावत और ममता मौर्य बाल सचिव चुने गए, जहाँ नव निर्वाचित बाल पंचायत का रोली मोली से तिलक लगाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन के मैनेजिंग ट्रस्टी अस्मिता सत्यार्थी ने कहा कि बाल पंचायत चुनाव में संपूर्ण कोरम में बेटियों का होना बालिका सशक्तिकरण का प्रतीक है। कार्यक्रम में स्कूल सहित सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन बाल आश्रम के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विधानसभा चुनाव में 84 विधानसभा सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी उम्मीदवार राजकुमार रोत ने नामांकन दाखिल किया, जहां हजारों की संख्या में समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि पूर्व चुनाव में यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला था, पर अब की बार पूरा गणित 84 में अलग है। अब यहां पर दो राष्ट्रीय दल सहित BTP और भारतीय आदिवासी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। वहीं आम आदमी पार्टी और क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार की बात की जाए तो यहां पर अलग अलग पार्टियों से और निर्दलीय के रूप में 6 से भी ज्यादा उम्मीदवार हो सकते हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाने वाले उन महापुरुषों को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने अंग्रेजों मुगलों से लड़के इस देश को आजाद कराया और इस लोकतंत्र स्थापित किया और उस लोकतंत्र में जनता का राज कायम किया। उसके दूसरी कड़ी में मैं 84 विधानसभा की जनता को आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम नमन करता हूं कि 84 की जो जनता है उसने लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा को आज दिखाया है और वही इसका दोगुना परिणाम 25 तारीख को एक मतदान के रूप में डाइवर्ट हो जाएगा। ये जो लोग आए हैं, ये मेरे समर्थक में आए हैं। 84 की जनता ने मुझे 2018 में विधायक बना था और 2018 में विधायक बनने के बाद मैंने 5 साल तक तन मन धन दिल से 84 की जनता के लिए काम किया। कठुवर कस्बे में सुबह करीब 5:30 बजे सगे भतीजे ने चाची की चाकू से गोदकर निर्मम रूप से हत्या कर दी और पड़ोसी युवक को प्रेम प्रसंग के शक में घायल कर दिया। घटना को लेकर कस्बे में सनसनी फैल गई। सूचना पर कठुमर पुलिस उपाधीक्षक अशोक चौहान और कठुमर थानाधिकारी सुरेंद्र शर्मा में जाप्ता मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली और मृतक महिला को CHC कठुमर में भर्ती करवाया गया। मिली जानकारी के अनुसार किशनता देवी जाटव सुबह पशुओं को चारा डालने गई थी, जहां पहले से चल रहे विवाद के चलते सगी जेठानी के लड़के चंद्र प्रकाश ने चाकू से गोद कर मौके पर ही हत्या कर दी। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। इसमें जो आरोपी है चंद्र प्रकाश, आज सुबह 5 बजे उसने अपनी चाची केसर की देवी चाची ने उसे हमला किया, जिससे उसके अस्पताल लेके आए, यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है। दूसरा एक और लड़का है, उसने भी चाकू से हमला किया, वो अभी भर्ती है, उसके इलाज है। अभी परिवारजन रिपोर्ट दे रहे हैं, रिपोर्ट देने के बाद में जैसा भी अनुसंधान में कारण पता चलेगा कार्रवाई की। सुबह लगभग 5 बजे अभी आने दो, अभी मेडिकल रिपोर्ट में पता चलेगा किस तरह का क्या है।
सुबह 5 बजे की बात है, मम्मी कहीं स्कूल में गई जो पीछा था हमारे भैया लगे वो उनने पीछे मम्मी पकड़ ली और छाती पर आकन पर पेट अंतर चपकन पर वार करो और बाकी बहुनी संग में। उसके बाद में हमने अल्लाह मचाए, माँ बाप को फोन करो, फिर हमारे पड़ोसी आगे जो अस्पताल ले आए, फिर यहाँ पे वो कह रहे डॉक्टर से मम्मी मर गई। धरियावद विधानसभा से भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार थावर चंद डामोर ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ उपखंड कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी कपिल कुमार कोठारी के समक्ष अपना नामांकन दर्ज करवाया। इस दौरान भारत आदिवासी पार्टी से प्रदेश कमेटी सदस्य प्रभुलाल बुज, भारत आदिवासी पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष लसाड़िया देवेंद्र सहित कई वरिष्ठ नेता और दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान थावर चंद डामोर ने नामांकन प्रक्रिया के बाद विशाल जनसभा का आयोजन किया। आपके चैनल को जोहार। आज आदिवासी परिवार के एसपीएससी ओबीसी मैनेजर सभी घर के लोग शामिल हुए हमारे नामांकन के अंदर और सभी जिम्मेदार साथी हमारे साथ में हैं। मैं कई विशेष मुद्दों पर तनाव लग रहा हूँ, जैसे हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है इस एरिया के अंदर जो बेरोजगार साथी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए न्यूनतम अंक कर का है जो 40% है 36% तक। हम ये चाहते हैं कि इस न्यूनतम अंक को खत्म किया जाए, बेरोजगारों के बहुत सारे भर्ती के अंदर बहुत सारी सीटें खाली रह गई। तो दूसरा ये है कि प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हमको 12% आरक्षण पर तक दिया गया, लेकिन 12% आरक्षण के अंदर इस ट्राइबल बेल्ट के अंदर हम जनसंख्या अनुपात में 6.5%। भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची अपना नामांकन करने कार्यालय पर पहुंचे। इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव भी कुछ अपने जुलूस के साथ नामांकन करने पहुंच गई। नामांकन दाखिल करके कार्यालय से बाहर निकले भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची के पैर छूकर कांग्रेस के प्रत्याशी रंजना जाटव ने आशीर्वाद लिया। वहीं कानून व्यवस्था सीओ सर्किल कठुमर अशोक चौहान के नेतृत्व में खेरली कठुमर भैतूकला में पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। से अपील, मेरे निवेदन से कार्यकर्ताओं से हमारे सभी जनता के आम आम मतदाता से मेरे अपील के साथ निवेदन करूंगा कि हमारी जो देश की बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और उस राष्ट्रीय पार्टी को निश्चित रूप से उसका मैं प्रत्याशी बनाया हूँ। तमाम जनता मुझे निश्चित रूप से जो सैलाब के साथ लग रहा है मुझे आशीर्वाद देगी और निश्चित रूप से मैं आप सबका इस कठुमर का सेवक बनूंगा। प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नामांकन का दौर जारी है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी हेमंत मीणा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। हेमंत मीणा ने अपना नामांकन शुभ मुहूर्त में दाखिल किया। प्रत्याशी हेमंत मीणा के साथ भाजपा के दिग्गज माने जाने वाले कमलेश दोषी भी इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद हेमंत मीणा समर्थकों के साथ किला परिसर स्थित बाण माता मंदिर पहुंचे, जहां से एक रैली निकाली गई जिसमें सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। रैली शहर के प्रमुख बाजार से गांधी चौराहे पर पहुंची, जहां पर आम सभा का आयोजन भाजपा की तरफ से किया गया। वहीं मंच से वक्ताओं ने सीधे-सीधे कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मीणा पर निशाना साधा। इस नामांकन रैली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी शिरकत की। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रतापगढ़ विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। इस पूरे क्षेत्र में ये पूरा क्षेत्र जनजाति क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो भी समस्या है उसका समाधान करने का काम पहली प्राथमिकता रहेगी। अपने इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में सिंचाई के लिए पेयजल उपलब्ध कराने का काम पहली प्राथमिकता रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में इस पूरे क्षेत्र में संपूर्ण विकास का काम करने का हम प्रयास करेंगे। भाजपा से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र मीणा ने शनिवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस नामांकन में बस्सी विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में समर्थक व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र मीणा ने बताया कि आज जो जनता का साथ और समर्थन मुझे अपार शक्ति के रूप में मुझे मिला है, इस आशीर्वाद का मैं बता नहीं पा रहा हूँ, जनता देख रही है। इस दौरान जितेंद्र मीणा को माला व साफा पहनाकर शुभकामनाएं भी दी गई। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
राजस्थान में हिंदुस्तान की जो लहर है वो आज देखने को मेरे 20 साल के संघर्ष में जितने मेरे साथी रहे जो मैंने काम बस्ती में किया उन लोगों की भावना ये उमड़ कर आई क्योंकि किसी के पास राष्ट्रीय दल का टिकट और भारतीय जनता पार्टी के टिकट भी घूम रहे हैं और हमारे पास कुछ है तो जनता का समर्थन और जनता का टिकट है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से टिकट वितरण के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ और पिलानी विधानसभा में पहली बार बीजेपी की जीत और काका सुंदरलाल पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने बीच सभा में अपनी पगड़ी उतारकर जनता के बीच रख दी, साथ ही उसका मान सम्मान रखने की बात कहते हुए आंखों में आंसू भी ले आए। काका सुंदरलाल को वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता है, लेकिन भाजपा के लिए जीत की राह अब और आसान दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि काका सुंदरलाल ने बागी नेताओं की सूची में अपना नाम दाखिल करवा दिया है। मैं मेरी तरफ से आपको राम राम करता हूं और मेरे पास में कुछ भी नहीं है या पगड़ी है, मैं आपके आगे रखता हूं। आप इस विषय भी बात कर रहे हैं, आपसे एक बात कहता हूं, हो सकता है पार्टी ने मेरे साथ कुछ भी किया हो पर दिल में ये भी पार्टी है। मैं पार्टी के खिलाफ हो ना, मैं पवन पार्टी के खिलाफ हूं। आज इस मंच से कहता हूं ये बात कि मैं पार्टी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, ना था ना आगे भी रहूंगा, पर मैं पवन पिलानी पवन बीजेपी के खिलाफ हूं, ना होगा था ना हां ना आगे रहूंगा। नेशनल हिंदी न्यूज चैनल नवतेज टीवी के 5 साल पूरे होने पर जयपुर में नवतेज फैमिली मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान अयोध्या से आए हनुमानगढ़ी के संत श्री श्री 1008 विष्णुदास जी महाराज ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विष्णुदास जी महाराज ने नवतेज टीवी के 5 साल पूरे होने पर नवतेज टीवी के एडिटर इन चीफ रोहित तिवारी समेत सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी और नवतेज टीवी को बुलंदियों पर जाने का आशीर्वाद भी दिया। हमारे नवतेज टीवी चैनल को 5 साल पूरा हो रहे हैं आज और आगे चले, लेकिन यहाँ पे हमारे रोहित जी तिवारी जी जो इसके चीफ हैं एडिटर हैं इनको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामना। मधु जी और यहाँ पे जितने एंकर हैं इनके सहयोगी हैं सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। मैं कहता हूँ कि यह चैनल पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है और हर जगह कार्य कर रहा है और सच दिखाता है और सच दिखाने का सामर्थ्य रखता है, इसके लिए बहुत बहुत इनको बधाई और शुभकामनाएं। हम भरोसा करते हैं अपने नवतेज टीवी चैनल पर क्योंकि इस पे लोग विश्वास करते हैं और रोहित जी को ये आशीर्वाद देता हूँ कि ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो और इसकी आवाज़ आप उठाइए, सरकार की भी उठाइए जनता की भी उठाइए और राष्ट्र के राजहित की बात जो हो और गरीबी से लेकर के अमीरी तक झोपड़ी से लेकर महल तक गांव से लेकर शहर तक आप इसको दिखाइए। इस दौरान नवतेज टीवी के एडिटर इन चीफ रोहित तिवारी ने कहा कि पत्रकारिता का रूप और काम समय के अनुसार बदल रहा है, लेकिन पत्रकारिता करते समय समाज के सामने सच लाना ही पत्रकारिता का धर्म है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों में समाज कल्याण व राष्ट्र निर्माण की भावना होनी चाहिए। वहीं नवतेज टीवी के डायरेक्टर राजकुमार सैनी ने चैनल के कर्मचारियों और रिपोर्टर्स का भी हौसला अफजाई किया। वास्तव में जो जर्नी में आपको बता रहा हूँ सिर्फ 2 मिनट में, 600 रुपए में मुझे तनख्वाह भी नहीं मिली 6 महीने तक,
बड़ी बात तो ये भी है, चूंकि अखबारों के पास भी पैसा नहीं होता है, सब लोग पत्रकार साथी सबको पता होता है, दो धड़ में मीडिया बंट गया है। हमने कभी ऐसा दिन भी नहीं देखा था कि दो धड़ में बंट गया है, और उसके बावजूद में चलो मैं मानता हूं दो धड़ों में मीडिया बंट जाए, हम बोलते हैं हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम स्वतंत्र कहां हैं हमें ये भी नहीं पता लग पा रहा है। तो मुझे लगता है अगर दो धड़ में मीडिया बंट भी गया तब भी जनता को परेशान होने की आवश्यकता है क्या? लेकिन ईमानदारी से बताओ, हमारे साथ भी जुड़े हुए लोग, हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी खबर कर रहे हैं इस वक्त? मैं हर समय यही बात बोलता हूं, हमारा जनता के ऊपर से फोकस हट गया है, ये हमारे सारे कैमरे के लेंस सिर्फ और सिर्फ नेताओं पर फोकस हो गए। सभी का वेलकम है, और यहाँ पे जैसे रोहित जी ने बोला, कोई भी ऐसा भारत का कोई भी नहीं है, हम सब लोग एक परिवार है, एक नई शुरुआत करने जाने वाले हैं, और मैं सभी को दोबारा से यही बोलूँगा कि सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे, और इस बार पूरे पूरे इंडिया में हम लोग एक नवतेज टीवी का एक नाम रहना चाहिए कि नवतेज टीवी एक चैनल है जिससे हम लोग जुड़े हैं, यही मैं कहना चाहूँगा। फिर हम अगले साल फिर मिलेंगे और थोड़े दिनों में मिलते रहेंगे और रिव्यू करेंगे चीज़ों में हम लोग क्या 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 नहीं किया। इस दौरान नवतेज टीवी के एसोसिएट एडिटर राकेश शर्मा ने चैनल के कर्मचारियों और देश भर से आए हुए रिपोर्टर्स को संबोधित करते हुए कहा कि नवतेज टीवी को आने वाले समय में बुलंदियों पर ले जाना है। इस दौरान शर्मा ने खबरों को लेकर सजग और सच्ची पत्रकारिता के लिए उत्साह वर्धन किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिस स्थिति में है, 5 साल बेमिसाल रोहित तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई, हम पूरा बेहतर करने की तैयारी में है, लगातार दिन रात हमारा मंथन इसी बात को होता है, तो क्या बेहतर किया जा सकता है, उसमें आप तमाम लोगों के सहयोग की हमें आवश्यकता होगी, आप लोग हाथ से हाथ पकड़ करके चलेंगे तो यकीन मानिएगा आप लिस्टिंग करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि 4 चैनल आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेस्ट में सिर्फ 1 ही चैनल रहेगा। मैं इतना विश्वास आप लोगों को दिला सकता हूँ, आप तमाम लोग इसी ऊर्जा के साथ काम करते रहिए, इनपुट जो भी आपसे डायरेक्शन दे या कोई चीज़ मांगे पूरे प्रॉपर उस चीज को भेजते रहिए, आपके क्षेत्र में आपकी पहचान बनाने की जिम्मेदारी हमारी है और उस जिम्मेदारी को हम लोग निभाते रहेंगे। तमाम लोगों का एक बार फिर से आने के लिए शुक्रिया, हम लोग बहुत संजीदगी के साथ में तमाम विषयों को देख रहे हैं और उसी संजीदगी के साथ में आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत बेहतर टीम, बहुत युवा टीम इस समय न्यूज रूम में है, आप लोगों का सहयोग बना रहेगा इस उम्मीद के साथ, धन्यवाद। वहीं नवतेज टीवी के 5 साल पूरे होने पर तमाम मशहूर हस्तियों ने भी शिरकत की। इसी कड़ी में टीवी पैनलिस्ट विनोद रावल ने भी नवतेज टीवी के 5 साल पूरे होने पर एडिटर इन चीफ रोहित तिवारी को शुभकामनाएं दी और चैनल की सच्ची पत्रकारिता को भी सराहा। आप लोगों को बधाई 5 साल पूरे होने के लिए, हालांकि मैं शायद पहले दिन से ही जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ, मेरी जर्नी 5 साल की है बिल्कुल नवतेज टीवी के साथ, और मैंने लगातार 3 साल जब तक ये चैनल दिल्ली में था तब तक मैंने आपके लिए बजट भी वहाँ डिबेट किया हर बार, और बहुत अच्छे से रहा। रोहित जी से हमारी मुलाकात हुई, रोहित जी भी उस वक्त स्ट्रगलिंग स्टेज पे थे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आज इतना प्राउड फील होता है यहाँ आकर के कि वही रोहित तिवारी हैं जो उस वक्त अकेले एक जहाज को लेकर चले थे, ये अकेले चले थे और कारवा बनता गया। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं जिस चीज पर, क्योंकि नवतेज फैमिली है, तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि हम लोग एक परिवार की तरह जब रहते हैं तो परिवार में से चीजें निकलती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा डिसेंटिंग नहीं होते होंगे, पर वो डिसेंट एक अच्छा है, लेकिन हम सब लोग एक विजन, एक आगे बढ़ने के लिए जो टारगेट की तरफ जा रहे हैं, सब लोग उसके अंदर इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, अपना बेस्ट दीजिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, रोहित जी आपको इस कारवा के लिए, राजकुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई, नवतेज फाउंडेशन, नवतेज टीवी को बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।